सबसे पहले पुतिन के प्रलयकारी फैसले की बात। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमत 2 को वॉर ड्यूटी में लगाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये रूस का ऐसा हथियार है जिसकी काट किसी भी देश के पास नहीं है। रूस की ये मिसाइल सिर्फ 6 मिनट में ब्रिटेन को खाक में मिला सकती है। इतना ही नहीं, एक बार में पूरे 15 परमाणु बमों से हमला करने की क्षमता रखती है। घंटे चौबीस घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु युद्ध का खाका खींच गया है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बमों का विस्फोट करने के लिए तैयार है? क्या जैसे दूसरे विश्व युद्ध का अंत बड़े परमाणु बम के धमाके से हुआ था, वैसे ही यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु हथियार के इस्तेमाल से होने वाला है? यूक्रेन युद्ध के इस पड़ाव पर पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला किया है। पुतिन ने अपने सबसे बड़े हथियार को युद्ध में उतारने का फैसला कर लिया है। पुतिन ने अपने उस शैतान को वॉर ड्यूटी पर लगा दिया है जिससे अमेरिका खौफ खाता है। यह रूस का एक ऐसा परमाणु हथियार है जो एक ही हमले में ब्रिटेन को डुबा सकता है, क्योंकि रूस का दावा है कि यह ऐसा परमाणु हथियार है जिसकी लंबाई 116 फीट है, जो करीब 14 मंजिला टावर की ऊंचाई के बराबर है। ऐसे में इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कर दिया तो धरती से उसका नामो निशान मिट सकता है। दावा किया गया है कि पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमत 2 को जल्द तैनात करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं। पुतिन पहले ही खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा, ये बात बाइडन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, ब्रिटेन के सुनक भी जानते हैं, यहां तक कि खुद ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। पुतिन की परमाणु कमांड इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं और अब रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख यूरी बोरिसो ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। यूरी बोरिसो ने दावा किया है कि सरमत रणनीतिक परिसर को युद्ध ड्यूटी पर रखा गया है। इस हथियार को हजारों मील दूर अमेरिका और यूरोप के देशों में परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यूक्रेन युद्ध के इस पड़ाव पर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमत 2 को युद्ध मैदान में उतारने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पुतिन का यह फैसला यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह पुतिन की वो मिसाइल है जो अगर एक बार चल जाए तो फिर भयंकर तबाही से कोई नहीं बचा सकता। रूस तो ये दावा भी करता है कि सरमत 2 के एक प्रहार से ही ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दावा है कि सरमत 2 ब्रिटेन को सिर्फ 6 मिनट में खाक में बदल सकता है। रूस कई बार इस हथियार से अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार तो रूस ने खुलकर कह दिया कि सरमत 2 मिसाइल सेना में तैनात होने के लिए तैयार है। यानी तब ये घातक मिसाइल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। पुतिन के इसी ऐलान ने यूक्रेन और पश्चिम देशों में परमाणु युद्ध की दहशत फैला दी है, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि पश्चिम देश इस मिसाइल को शैतान कहते हैं। सरमत 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक वार कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिसाइल एक साथ 15 परमाणु बमों को दाग सकती है। इसी वजह से पश्चिमी देश इसे शैतान कहते हैं, जिसके एक प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में खत्म हो जाएंगे।
यूक्रेन युद्ध में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब परमाणु जंग में बदलने वाला है। ये खतरा अब तक बरकरार है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबाही पूरी दुनिया में होगी, और तभी से पश्चिमी देशों के लिए सरमत 2 मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद है। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कैलिनिनग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बेलारूस से खबर बहुत टेंशन देने वाली है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको दावा कर चुके हैं कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे। ऐसे में इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले सकते। लुकाशेंको और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत ही सीक्रेट डील हुई है। इसका असर क्या हो सकता है, इस बम से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, लुकाशेंको की बात बहुत गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं कि अगर रूस के बम को इस्तेमाल करना पड़ा यानी उससे धमाका हुआ तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि हिरोशिमा में तो सिर्फ 80,000 लोग मारे गए थे। Одного удара, а это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. लुकाशेंको ने दुनिया को वार्निंग दे दी है। लुकाशेंको पुतिन के बहुत खास माने जाते हैं। उनकी बातों को पुतिन की वार्निंग कहा जा सकता है। पुतिन का परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना पूरे यूरोप और नाटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। रूस की तरफ से परमाणु हमले के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुतिन के एक बहुत बड़े करीबी ने बहुत ही बड़ा इशारा किया है। सिग्नल यह है कि यूक्रेन पर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमले का टाइम आ गया है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। दिमित्री रोगोजिन का कहना है कि पुतिन के पास अब यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Вот, но в целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО. Понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, в настоящий момент и нет. सेना की वर्दी पहने और हाथ में असॉल्ट AK-47 लिए दिमित्री रोगोजिन कोई आम शख्स नहीं है। ये रूस के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रभारी रह चुके हैं, पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले साल दिमित्री रोगोजिन रूस के सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण टीम के इंचार्ज रह चुके हैं। ऐसे शख्स का यह कहना कि रूस को अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना ही होगा बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। क्या होगा जब रूस की न्यूक्लियर फोर्स यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला बोल देगी? टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान में आग लगाती, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी।
परमाणु बम से लैस मिसाइल जहां गिरेगी वहां सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। जहां विस्फोट होगा वहां तबाही का वैसा ही मंजर दिखेगा जैसा बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। अब सवाल उठता है, रूस अगर यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करेगा तो कहां से करेगा? रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के बेस बना रखे हैं। दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को अपना सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां भी गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसी ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी ज्यादा है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा क्योंकि रूस ने क्रेमलिन पर अटैक के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। परमाणु हथियारों से युद्ध के लिए रूस की तैयारी कितनी पूरी है इसे उसके नए मूवमेंट से समझ सकते हैं। काला सागर में रूस की नौसेना ने नोरासिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मर्गोनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध और इस विश्व युद्ध की वजह बनेगी रूस की सरमत 2 परमाणु मिसाइल। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ईरान खुलकर रूस के पाले में आ गया है और इसका फायदा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उठाया है। देखिए, मोसाद ने ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दिया, यानी कि मोसाद के एजेंट ने डबल गेम कर दिया है। मोसाद के एजेंट ने बड़ी चालाकी से अपनी पहचान छुपाकर इस सारी साजिश को अंजाम दिया। मोसाद की ताकत क्या है?
इजराइल की इस खुफिया एजेंसी की दहशत दुश्मनों के खेमे में क्या होती है और इजराइल के खुफिया एजेंटों का दिमाग कितनी दूर तक सोच सकता है, मोसाद की काबिलियत एक बार फिर साबित हो गई है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के बाहर ही ऐसी रणनीति बनाई कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बर्बादी के रास्ते पर जाने लगा और ईरान के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। ये पूरा मामला क्या है? आखिर मोसाद ने ऐसा क्या किया है कि ईरान गुस्से से कांप रहा है? ये पूरी दिलचस्प कहानी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा इजराइल और ईरान का टेंशन यूक्रेन के युद्ध को भी प्रभावित कर रहा है। ईरान ने मोहाजिर 10 ड्रोन दुनिया को दिखा दिया है। इस ड्रोन से अमेरिका भी बेचैन है, यूक्रेन भी परेशान है और इजराइल के कैंप में भी टेंशन है। यानी सिर्फ एक ही ड्रोन से तीन तीन मुल्कों को ईरान ने बेचैन कर दिया है। अभी कुछ महीने पहले ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने का दावा भी किया था। तब ईरान की सरकार का जोश इतना हाई हो गया था कि तेहरान के चौराहे पर एक बोर्ड भी लगवा दिया गया था जिसमें कहा गया था कि इजराइल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। यानी आप जरा नोट कीजिए कि कैसे बीते तीन महीनों में ईरान की सरकार बड़ी डींगे मारने में बिजी थी, लेकिन अब अचानक ईरान की सरकार का बयान ईरान के सरकारी टीवी पर जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों ने ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशों से ऐसा घटिया दर्जे का कनेक्टर मुहैया करवाया जिससे मिसाइल की क्वालिटी ही खराब हो सकती है और मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही ब्लास्ट कर सकती है। यह मोसाद का बहुत तगड़ा बदला है क्योंकि जब ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मोसाद अंदर ही अंदर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की जड़ें काटने में लग गया था। 6 जून 2023 को ईरान ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी। 3 जून 2023 को ईरान ने यह घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ एक महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और यह मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब है कि यह सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को मात्र 257 सेकंड लगेंगे। यानी यह मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी और इसी को काउंटर करना ही इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा टारगेट भी था। आज से 2 महीने पहले जब यह खबर आई थी कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है तभी पूरी दुनिया में मौजूद मोसाद के एजेंटों ने अपना काम शुरू कर दिया। और ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को डैमेज करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि ईरान अपनी मिसाइल के कौन से पार्ट्स विदेशों से आयात करता है। पता ये लगा कि ईरान मिसाइलों में लगाए जाने वाले कनेक्टर को विदेशों से आयात करना चाहता है। इसके बाद मोसाद के एजेंटों ने बड़ी ही चालाकी से ईरान की सरकार की डील ऐसे एक्सपोर्ट से करवा दी जो बेहद घटिया कनेक्टर बनाते हैं। ईरान ने ये कनेक्टर खरीद भी लिए क्योंकि ईरान ने इसकी तस्वीरें भी अपने सरकारी टीवी पर दिखाई। यानी मोसाद ने बिना ईरान के अंदर घुसे ईरान को दो तरीके से नुकसान पहुंचाया। ईरान को मिसाइलों के सौदे में आर्थिक नुकसान हुआ और उसका मिसाइल कार्यक्रम भी आंशिक रूप से घाटे में आ गया। सबसे बड़ी बात यह कि इससे उल्टा ईरान के सैनिकों को ही नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि खराब कनेक्टर की वजह से लॉन्च होते ही ऐसी मिसाइलें ईरान के अंदर ही फटकर ईरान के लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल मोसाद ने यह जाल इसलिए बिछाया क्योंकि ईरान लगातार दो तरीकों से अपनी ताकत दिखा रहा है। पहले तो ईरान के सप्लाई किए गए ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचा दी गई, इससे अमेरिका और यूक्रेन को झटका लगा। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा कर दिया, इससे इजराइल भी चौंकन्ना हो गया।
उस वक्त ईरान की सरकार दुनिया में अपनी ताकत को इस तरह पेश कर रही थी जैसे इसराइल की ताकत उसके सामने बौनी हो गई है और वो इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात देने के काबिल हो चुकी है। तब कैसे ईरान की तरफ से बयान जारी किए गए थे, जरा सुनिए एक बार। این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره، یعنی هم سامانهای فدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق‌العاده گرون قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمیکنم تا ده‌ها سال بعدم. उस वक्त इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगार रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार है, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र में। इसराइल जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। यानी ईरान की ताकत को कंट्रोल करने के लिए अब इसराइल ने अपनी 10 गुनी ताकत लगा दी है और इसमें सबसे ज्यादा जोर मोसाद के ऑपरेशन पर लगा है। दूसरी तरफ ईरान भी मोसाद के इस वार का पलटवार करने में लगा हुआ है। ईरान ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जिसकी तुलना अमेरिका के अत्याधुनिक ड्रोन से की जा रही है। ईरान ने एक नया गाइडेड ड्रोन बना लिया है। ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। मोहाजिर 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9 जिसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था। अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है और सबसे बड़ी बात यह कि मोहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम को लेकर उड़ सकता है। ईरान का नया ड्रोन मोहाजिर 10 पुराने वर्जन के मोहाजिर 6 के मुकाबले काफी बेहतर है। ईरान और इसराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मोहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है, यानी ये एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहाँ एक कामिकाजी ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इसराइल घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। شون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه، حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. کار ما رو به نحوی این کاری که در صنایع نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون به ما کاملا عوض شد. دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته. لیکن ایک سوال کا جواب آج بھی نہیں مل پایا ہے کہ جب روس کے پاس میسائلز کے سب سے اچھے کنیکٹرز موجود ہیں تو آخر ایران کو کسی اور دیش سے کنیکٹرز کو امپورٹ کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रूस के हथियार गोदाम में मिसाइलों का अकाल पड़ रहा है क्योंकि युद्ध के 500 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और ऐसे में मिसाइलों को बनाने के लिए सबसे पहले रूस को ही कनेक्टर्स की जरूरत है और वो अब ये कनेक्टर्स किसी से भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है। युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है सटीक खुफिया जानकारी होना और ऐसा ही एक जानकारी यूक्रेन को मिली है और दावा यह किया गया है कि यूक्रेन ने सिर्फ पेपर ड्रोन से ही रूस के 5 लड़ाकू विमान उड़ा दिए हैं। पेपर ड्रोन यानी कागज का ड्रोन, ये शब्द आपने शायद पहली बार ही सुना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पेपर ड्रोन ने जंग में बहुत जबरदस्त चोट दी है। कागज का ये ड्रोन ऐसा है कि कई बार बड़े वॉर एक्सपर्ट भी चकरा गए।
यूक्रेन के युद्ध में ऐसे ऐसे हैरत अंगेज वाक्य हो रहे हैं कि एक आम इंसान की कल्पना से भी परे यकीन करना भी मुश्किल है। क्या लड़ाकू विमानों को कोई कागज का ड्रोन तबाह कर सकता है? हो सकता है कि जब आप इस बात को सुने तो आप भी इस पर भरोसा ना करें, लेकिन दुनिया के कई बड़े अखबारों में इस पर हैरानी जताई जा रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसके दावे किए जा रहे हैं। हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की है, हमने पेपर ड्रोन क्या है इसको भी समझा है, और साथ ही ये भी पता लगाया है कि क्या पेपर ड्रोन को रूस का एयर डिफेंस नहीं पकड़ सका। एक एक करके पूरी बात आपको समझाएंगे, साथ ही लेकिन शुरुआत करेंगे रूस के पूर्व उपराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के उस बयान से जिसमें उन्होंने सर्वनाश की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि रूस के दुश्मनों के लिए सर्वनाश का वक्त नजदीक आ गया है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या है ये पेपर ड्रोन अटैक का मामला। पेपर ड्रोन अटैक इस युद्ध का अब तक का सबसे अकल्पनीय, अभूतपूर्व और अविश्वसनीय मामला बताया जा रहा है। ये है ज़ेलेंस्की का वो चीता कमांडर जिसने कागज के ड्रोन से लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। वसीम मलयूक यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा को SSU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन। SSU का मुख्य काम यूक्रेन की सुरक्षा और यूक्रेन की सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारियां जुटाना होता है, लेकिन इसी सुरक्षा एजेंसी SSU के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 26 से 27 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच यूक्रेन ने पेपर ड्रोन से रूस के बॉर्डर स्टेट कुर्स्क पर हमला करके रूस के 5 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। हमले का दावा कितना सच है और हमले की पूरी डिटेल क्या है आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर ये पेपर ड्रोन होता क्या है। दरअसल पेपर ड्रोन का मतलब है कार्डबोर्ड और मोटे कार्ड शीट से बने हुए ड्रोन। आमतौर पर दुनिया में ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं जो धातु के बने होते हैं, यानी ड्रोन में एक मोटर तो होती है जो कि उसे ऊपर हवा में उठाती है, लेकिन साथ ही इसमें पंख भी होते हैं जो कि इसे उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही इसमें विस्फोटक भी भरा जाता है। ऐसे ड्रोन जिस भी टारगेट पर जाकर फटते हैं वहां ड्रोन तो खत्म हो ही जाता है, यानी ड्रोन की खुदकुशी हो जाती है, लेकिन जिस टारगेट पर वो गिरता है वो अरबों डॉलर्स का बेशकीमती हथियार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के सूत्र जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ऐसे कार्डबोर्ड के ड्रोन बनाए गए और फिर उस कार्डबोर्ड के ड्रोन में विस्फोटक लगा दिए गए और इन ड्रोन्स को रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित किया गया और फिर उस जगह पर विस्फोट करवा दिया गया जहां पर रूस के 5 लड़ाकू विमान मौजूद थे। ये दावा कितना सही है इसकी पड़ताल भी हमने की है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस कुर्स्क स्टेट पर हमले की बात कही जा रही है वो आखिर रूस में कहां मौजूद है। कुर्स्क स्टेट रूस और यूक्रेन की सीमा पर मौजूद है। कुर्स्क के जिस मिलिट्री बेस पर हमले का दावा यूक्रेन ने किया है वो यूक्रेन के बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर ही मौजूद है। पेपर ड्रोन को 100 किलोमीटर के अंदर तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और सबूत है जिससे ये साबित होता है कि 26-27 अगस्त की आधी रात के बीच कुर्स्क शहर में कुछ हलचल देखी गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र के गवर्नर रोमन स्टोरोवॉयट ने हमले के बाद ही एक टेलीग्राम पर पोस्ट करके कहा था कि यूक्रेन ने एक बार फिर रात भर और 27 अगस्त की सुबह
ड्रोन का उपयोग करके रूस के क्षेत्र पर आतंकवादी हमले करने का प्रयास किया है। गवर्नर के मुताबिक उस वक्त रूस के एयर डिफेंस ने ब्रोंस्क और कुर्स्क क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे दो ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया था। कुर्स्क के गवर्नर ने ये तो नहीं बताया कि कुर्स्क की मिलिट्री एयरफील्ड पर कोई हमला हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा था कि कुर्स्क में ड्रोन ने एक इमारत पर हमला किया था जिससे कुछ खिड़कियां टूट गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि तब कुर्स्क के गवर्नर ने ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई कि ड्रोन ने हमला करके लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस हमले पर यूक्रेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने कीव इंडिपेंडेंट अखबार को बताया है कि 26 से 27 अगस्त की मध्य रात्रि में 13 ड्रोन्स ने हमला किया था। ये हमला कुर्स्क की एयरफील्ड पर हुआ था जहां रूस के 5 लड़ाकू विमान मौजूद थे। एयरफील्ड पर रूस के 4 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान SU-30 मौजूद थे, साथ ही एक MiG-29 विमान भी मौजूद था। विस्फोटकों से लदे पेपर ड्रोन्स इन 5 लड़ाकू विमानों पर जाकर टकरा गए। कुल 13 धमाके सुने गए थे। इन 5 लड़ाकू विमानों के अलावा भी पेपर ड्रोन्स ने रूस के 2 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट कर दिए, साथ ही S-300 एयर डिफेंस भी तबाह कर दिया। अब जरा सोचिए, एक पेपर ड्रोन की कीमत बहुत ही मामूली है, लेकिन रूस के लड़ाकू विमान बहुत महंगे हैं। रूस का एक SU-30 लड़ाकू विमान 600 करोड़ का है। इस तरह कुल 4 SU-30 लड़ाकू विमान 2400 करोड़ रुपए के हुए और एक MiG-29 की कीमत करीब 150 करोड़ है, यानी कुल 5 बर्बाद हुए लड़ाकू विमानों की कीमत 2550 करोड़ रुपए हुई। अगर ये मान लिया जाए कि विस्फोटकों के साथ 13 पेपर ड्रोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए होगी, तो भी ये आश्चर्यजनक घटना है कि सिर्फ 10,000 रुपए के 13 पेपर ड्रोन से 2550 करोड़ के 5 रूसी लड़ाकू विमान उड़ा दिए गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर दुश्मन के पास एकदम पुख्ता खुफिया जानकारी है तो कुछ भी हो सकता है। युद्ध में सबसे बड़ी बात सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करना ही होता है, और रूस की खुफिया एजेंसी को नेटो और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से भी मदद मिल रही है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब मेड इन यूक्रेन हथियारों की काफी चर्चा कर रहे हैं और बड़े बड़े डायलॉग्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। Окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї, Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв, гармати, які зроблені в Україні, снаряди, які зроблені в Україні, дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша оборонка даватиме більший результат. एक और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के पेपर ड्रोन्स ने रूस के एयर डिफेंस S-300 को ही खत्म कर दिया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि एयर डिफेंस को कोई कागज का ड्रोन नष्ट कर दे, लेकिन ये बात इसलिए सही हो सकती है क्योंकि कागज के ड्रोन या पेपर ड्रोन को ट्रेस कर पाना किसी भी एयर डिफेंस के लिए आसान नहीं है। दरअसल एयर डिफेंस भी किसी हथियार से निकलने वाली किरणों और उसकी गर्मी से ही ये पता लगाता है कि दुश्मन के हथियार की लोकेशन कहाँ है, लेकिन पेपर ड्रोन इतना हल्का और कम ऊष्मा पैदा करने वाला होता है कि उसको ट्रैक कर पाना कभी भी इतना आसान नहीं होता है। अगर पेपर ड्रोन का हमला वाकई में सही है तो ये मानकर चलिए कि अब ज़ेलेंस्की इस बेहद सस्ते ड्रोन की मदद से और भी कई हमले की योजनाओं को तैयार कर सकते हैं। वैसे भी यूक्रेन के ड्रोन इस वक्त मॉस्को तक मार कर रहे हैं, जो रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।